1,000 रुपए को लेकर किसान नेता की पत्नी की हत्या, बीज बचाव करने आई थी मृतिका। अनूपशहर थाने के अंतर्गत आने वाला गांव रूपवास में मंगलवार को किसान नेता की पत्नी 1,000 रुपए के लेन देन को लेकर हत्या कर दी गई। मृतका वैष्णो देवी के पुत्र ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने व जल्द से जल्द पकड़ने की लगाई गुहार। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस को दी तहरीर में मृतका के बेटे देवकी नंदन उर्फ राम बाबू ने बताया कि वह रूपवास थाना अनूपशहर जिला बुलंदशहर का निवासी है। मंगलवार को करीब 2:30 बजे वह उसकी माँ वैष्णो देवी व पत्नी रेखा के साथ खेत पर काम कर रहा था, तभी खेत पर गांव निवासी छोटू उर्फ अरुण पुत्र नरेंद्र शर्मा व उसका बेटा आ गए, गालियां देने लगे और जान से मारने की धमकी भी देने लगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवकिंदन शर्मा। कौन सा ग्राम है आप? मेरा गांव रूपवास है। थाना कौन सा लगता? थाना अनूपशहर। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मैं सर ट्रैक्टर लेके आ रहा था गन्ने भर के खेत पे से, और ये छोटू उर्फ अरुण कुमार, पापा का नाम जिसके नरेंद्र शर्मा, और उसका बेटा वो पिस्टल ले गए और एक हाथ में लोहे की रॉड ले गए, मेरे ट्रैक्टर के आगे खड़े हो गए और मेरे से कहने लगे कि 1,000 रुपया देगा भोसड़ी के, आज 1,000 रुपया देगा तू और नहीं तू मार देंगे। तो मुझे ये लगता था कि ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा कुछ थोड़ा सा नज़दीक में ही था, लेकिन उसने अचानक ही एकदम मेरे मुँह पर पिस्टल की बट मारी, और बट मारने के बाद तुरंत दूसरी साइड को अंगूछा बंधा हुआ था, सरिया मारी यहाँ पर सूजन है मेरे, और तुरंत मैं एकदम सरिया जैसे लगते में गिर पड़ा गया। उनमें मेरी माता जी बचाने को आई तो उनमें इसने क्या मारा मुझे ये जानकारी ना है, लेकिन मेरी माता जी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। वहाँ पर और भी काफ़ी लोग थे जो गन्ना वन्ना जो चारा वारा जो काटते हैं वो भी थे, उन्होंने सब घटना को देखा, गेहूँ की बात है ये घटना थी, और वो पुलिस धमकी देते हुए पोस्टर लहराते हुए भाग गया, जो कि पुराना गैंगस्टर है। थाने में नज़दीकी थाने में आपने? हाँ, मैंने 100 नंबर पर कॉल की थी। जब 100 नंबर की काफ़ी देर के बाद मैंने अपनी माता जी प्राइवेट गाड़ी से यहाँ को भिजवाई अस्पताल के लिए, ठीक है, तो यहाँ अस्पताल वालों ने पुनः मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।